हेलो, कैसे हो भाई लोग। मेरा नाम रंजीत है और इस वीडियो में मैं आपको ये सैमसंग गैलेक्सी A8 प्लस के बारे में बताऊंगा। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने मेरे इंग्लिश चैनल पे 3 दिन पहले कर दी थी और 2 दिन से मैं थोड़ा इसे यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं मेरे ओपिनियंस आपको बताऊंगा यूज़ करने के बाद। और काफ़ी क्वेश्चन मुझे आ रहे थे ये 8 के बारे में, तो इससे पहले थोड़े जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे थे वो आंसर कर देता हूँ, और बाद में मैंने लिस्ट बनाई है जो 2 दिन के यूजेज में, उसके बारे में भी बात करूँगा ये कैसा डिवाइस है। पहले जब हम प्राइसिंग की बात करेंगे, इसका जो प्राइस है इंडिया में 33,000 रुपीस का है। और भाई देखने में तो ये नोट 8 के जैसा है, लेकिन भाई ये फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है, ये एक आप कह सकते हैं अपर रेंज मिड रेंज एंड्रॉयड डिवाइस है। और ये क्यों मिड रेंज है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। और भाई ये पहला स्मार्टफोन जो है सैमसंग के पास से जो सेल्फी सेंट्रिक है, क्योंकि इसमें बड़ी अजीब बात है, पीछे का जो कैमरा दिया गया है एक सिंगल कैमरा दिया गया है, लेकिन जो सामने का कैमरा है वो डुअल कैमरा दिया गया है। तो अब लगता है ये सैमसंग भी भाई ओप्पो शोपो के जैसा सेल्फी सेंट्रिक हो रहे हैं, क्योंकि सेल्फी कैमरा पे ज़्यादा मुद्दा दिया गया है। तो जल्दी से क्वेश्चंस आंसर करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है ये सबर से आ रहा है और ये पूछ रहे हैं क्या इसमें फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट है। हाँ मेरे भाई, फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट है यहाँ पर, और ये ग्लो होती है, चलती है, और जैसा आप देखते हो जो डिस्प्ले है इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिया गया है, और ये भी अच्छा चलता है। और देखने के हिसाब से अगर आप दूर से इसे देखोगे तो लगता है कि ये नोट 8 के जैसा ही है। और ये अभिषेक पूछ रहे थे क्या इसमें स्टेबलाइजेशन दिया गया है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है। तो अगर आप वीडियो जब शूट करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन आता है, तो अगर आप चलते भी हो तो ज़्यादा हिलता नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भाई सैमसंग जो है अपने जो भारी फोन्स हैं उनमें ही देता है, तो इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है। और अमित पूछ रहे थे क्या इसमें 4K वीडियो सपोर्ट दिया गया है और क्या एंड्रॉयड ओरियो आता है आउट ऑफ द बॉक्स। और दोनों के आंसर्स हैं नो। इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन आता है वो है एंड्रॉयड नोगट, सो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन ओरियो है और ये मिड रेंज एंड्रॉयड फ़ोन है सैमसंग से। तो भाई सैमसंग जनरली जो है इनका जो रेपुटेशन है, जो मिड रेंज डिवाइसेस है उसमें जो अपडेट्स आते हैं सॉफ्टवेयर के, बड़े ही स्लो रहते हैं। तो एंड्रॉयड ओरियो आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी तो ये एंड्रॉयड नोगट पे ही अटका है। और इसमें सैडली 4K वीडियो सपोर्ट भी नहीं दिया गया है, जो एक बड़े ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है प्राइस के हिसाब में, जब आप 33,000 चार्ज कर रहे हो। और प्रोसेसर केपेबल है मेरे भाई, जो इसमें प्रोसेसर दिया गया है एक्सीनोस 7885 4K वीडियो प्रोसेस कर सकता है, लेकिन भाई सैमसंग ने 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं दिया है फ़ोन पे। सो मैक्सिमम जो है इसका 1080p और जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है वो दिया गया है। और ये इंद्रिल पूछ रहे हैं कैमरा के बारे में, अकॉर्डिंग टू कैमरा विच वन इज़ बेटर पूछ रहे हैं, OnePlus 5T का कैमरा बेटर रहेगा या गैलेक्सी A8 प्लस का रहेगा। भाई जब हम रेयर फेसिंग कैमरा के बारे में बात करेंगे तो OnePlus 5T का कैमरा इससे बेटर है। हाँ भाई हाँ, मैंने टेस्ट किया है, इसका जो कैमरा है आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशंस इंडोर कंडीशंस में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं OnePlus 5T को दूंगा। लेकिन अगर हम फ्रंट फेसिंग कैमरा के बारे में बात करेंगे तो इसका कैमरा जो है OnePlus 5T के फ्रंट फेसिंग कैमरा से स्लाइटली बेटर है। और गौरव बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सैमसंग कह रहे थे कि 8 प्लस पुअर मैन S8 है, इज इट ट्रू, डज इट हैव ऑल द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द गैलेक्सी S8? नहीं भाई, गैलेक्सी S8 या S8 प्लस ज़्यादा ही प्रीमियम डिवाइस है, उसके पूरे फीचर्स नहीं आते हैं, जैसे इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है, 4K वीडियो सपोर्ट नहीं दिया गया है, और काफ़ी छोटे मोटे चीज़ें जो नहीं हैं। तो भाई आप अगर आपको फ्लैगशिप लेना है तो आप S8 ही ले लो। इनफैक्ट अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आप सैमसंग गैलेक्सी S7 ले लो, उसमें ज़्यादा फीचर्स हैं ये फ़ोन से, उसका कैमरा परफॉर्मेंस जो S7 का है इससे काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा में भाई वो आपको दो कैमरा की वजह से जो है पोर्ट्रेट मोड दिया गया है, लेकिन रेयर फेसिंग कैमरा में पोर्ट्रेट मोड नहीं है इसमें। और ये मातिया पूछ रहे हैं, डू यू थिंक इट विल बी अ गुड कॉम्पिटिटर टू द ऑनर व्यू 10 और द OnePlus 5T? नहीं भाई, OnePlus 5T और ये ऑनर व्यू 10 जो दोनों फोन्स हैं, इनका प्रोसेसर जो है इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वो ज़्यादा पावरफुल फोन्स है। भाई ये
मिड रेंज फ़ोन है मेरे हिसाब से, जो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो दोनों जो ऑनर व्यू 10 है और ये जो वन प्लस 5T है, रॉ परफॉर्मेंस और फीचर्स के हिसाब में इससे ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और हाक पूछ रहे हैं, हाउ इज़ द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द स्मार्टफोन? भाई ये डिपार्टमेंट में मैं सैमसंग को फुल मार्क्स दूंगा, क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी है वो गज़ब की दी गई है फ़ोन में। बिल्ड क्वालिटी जो है एकदम सॉलिड जो बोलते हैं हम, वो दी गई है, और ये मेटालिक फ्रेम दिया गया है, और तो बिल्ड क्वालिटी के हिसाब में कुछ कंप्लेंट्स नहीं है। और दूर से अगर आप ये फ़ोन को देखेंगे तो आप मिस्टेक कर लेंगे कि ये एक नोट 8 है। सो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी दी गई है फ़ोन में। और परमार पूछ रहे हैं, ऑड पोजीशन ऑफ द फिंगरप्रिंट स्कैनर, इज इट रीचेबल और नॉट? भाई अगर आपने मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो ये फ़ोन का देख लिया था, जो मैंने मेरे इंग्लिश चैनल पे डाला था, उसमें मैंने क्लियरली बताया था जब आप फ़ोन को पकड़ते हो तो फिंगरप्रिंट स्कैनर रीच नहीं होता है, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है आपका ग्रिप। सो भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन स्टिल अच्छी, उतनी अच्छी नहीं है। आपका जब आप फ़ोन को ऐसा पकड़ते हो आपका फिंगर यहाँ रेस्ट होता है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा ऊपर दिया गया है। लेकिन इसमें फेस अनलॉकिंग फीचर दिया गया है, काफ़ी लोग उसके बारे में पूछ रहे थे, और ये चलता है भाई, आप जैसा दबाओ एक सेकंड लगा और अनलॉक हो गया। दिखाता हूँ आपको, देखो अभी स्टैंड बाय अप पे आ गया है, अब मैं पावर बटन दबाता हूँ तो फेस अनलॉक फीचर भी दिया गया है जो चलता है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर की पोजीशन अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। और जसन पूछ रहे थे, सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस क्या इसमें बेस्ट कैमरा है ये प्राइस रेंज में? नहीं भाई, फ्रंट फेसिंग कैमरा के बारे में बात करेंगे तो फ्रंट फेसिंग कैमरा बहुत अच्छा है, जिसमें आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है। लेकिन अगर हम रियर फेसिंग कैमरा के बारे में बात करेंगे तो भाई अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस लोगे तो इसका कैमरा बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। जो वन प्लस 5T है और ऑनर व्यू 10 है, उसका रियर फेसिंग कैमरा इससे ज़्यादा है, बेटर दिया गया है। सो भाई इसमें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हूँ मैं, भाई सैमसंग क्या कर रहा है, इसको सिर्फ सेल्फी सेंट्रिक फोन बना दिया। सामने का कैमरा से आप पोर्ट्रेट मोड फोटोज ले सकते हो, फोटोज अच्छे आते हैं, जैसा आप सैंपल्स देख सक रहे हो कि मेरे ऑफिस में मैंने लिए थे, फ्रंट फेसिंग कैमरा से बहुत अच्छा है। लेकिन रेयर फेसिंग कैमरा की परफॉर्मेंस कुछ उतनी अच्छी नहीं है, और इसमें पोर्ट्रेट मोड भी नया नहीं दिया गया है रेयर फेसिंग कैमरा के लिए। तो भाई सेल्फी कैमरा हो गया है, सेल्फी स्मार्टफोन बन गया है। और गौरव पूछ रहे हैं कि वंस यू सेड सैमसंग डजंट प्रोवाइड बेसिक सेंसर्स इन देयर मिड रेंज फोन्स, सो डज दिस हैव ऑल द सेंसर्स? हाँ भाई, ये फ़ोन में जो सेंसर्स हैं वो काफ़ी पूरे दिए गए हैं, ऑटो ब्राइटनेस दिया गया है, जायरोस्कोप सपोर्ट भी दिया गया है, फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट भी दिया गया है, ऑलवेज ऑन स्क्रीन भी दिया गया है। सो सेंसर्स का डिपार्टमेंट में इसमें सेंसर्स दिए गए हैं, लेकिन मेरे भाई इसका दाम भी देख लो आप, 33,000 का है। सो सेंसर्स के डिपार्टमेंट में कंप्लेन नहीं करूंगा, सेंसर्स दिए गए हैं। और आयुष बोल रहे हैं, योर थॉट्स ऑन नो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन दिस गैलेक्सी 8 प्लस? हाँ भाई, मैं भी एकदम डिसअपॉइंटेड हूँ, और मेरे हिसाब से यार ये सैमसंग इंटेंशनली कर रहा है चिंदी हरकतें, मैं कहता हूँ, क्योंकि जो प्रोसेसर दिया गया है इसमें 7885 केपेबल है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का, लेकिन मेरे हिसाब से सैमसंग ने इसे इंटेंशनली ये 4K सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें अगर 4K सपोर्ट दे देंगे तो इनके जो हायर एंड फोन्स हैं उनका क्या होगा? तो वो प्राइस डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट लाइन को, और जानबूझ के 4K सपोर्ट नहीं दे रहे हैं। सो एक बड़ी ये डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, क्योंकि प्रोसेसर जो है भाई वो केपेबल है 4K के लिए। और ये था एक लास्ट क्वेश्चन, हाँ तो भाई ये क्वेश्चंस हो गए, ये थे कॉमन क्वेश्चंस। और अब भाई ये मैं मेरे नोट्स खोलता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो भाई एक और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी, इसका जो स्पीकर का पोजीशन है, जैसा आप मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो में यहाँ ऊपर दिया गया है, और मैं थोड़ा वरीड था यार स्पीकर का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, लेकिन भाई स्पीकर के परफॉर्मेंस के हिसाब में कुछ इशू नहीं है, स्पीकर काफ़ी लाउड है और क्लियर है। मैं आपको जस्ट मेरा एक खुद का वीडियो प्ले करके यूट्यूब पर दिखाता हूँ तो आप समझ सकते हो। एक सेकेंड, कनेक्ट हो गया और ये चलती है, लेकिन आपको सेटिंग स्पीकर यहां दिया गया है, इसको एनेबल करना पड़ता है क्योंकि डिफॉल्ट ये एनेबल, और मेरे हिसाब से ये पोजीशन ठीक है, और लाउडनेस के हिसाब से भी स्पीकर ठीक ही है। और जब आप फोन को ऐसे भी पकड़ते हो स्पीकर ब्लॉक नहीं होता है क्योंकि यहां दिया गया है, तो स्पीकर के हिसाब में कुछ इशू नहीं है। और स्क्रीन के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे मेरे से, स्क्रीन जो है सुपर AMOLED ही दिया गया है, लेकिन ये क्वाड HD नहीं है, फुल HD प्लस है, जो 18:9 एस्पेक्ट रेशियो में दिया गया है। सैमसंग इसे इन्फिनिटी डिस्प्ले कहता है, लेकिन ये भाई 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है, लेकिन क्वाड HD नहीं है। लेकिन
भाई जो डिस्प्ले है अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया, मैं काफ़ी वीडियोस उस पर वॉच किया हूँ, सो डिस्प्ले में कुछ इशू नहीं है और ऑटो ब्राइटनेस भी दिया गया है, आउटडोर लाइटिंग में भी ठीक दिखता है। सो डिस्प्ले क्वाड एचडी नहीं है लेकिन डिस्प्ले अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है, व्यूइंग एंगल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और फेस अनलॉकिंग जैसे मैंने पहले बता दिया, काफ़ी लोग पूछ रहे थे उसके बारे में, और गेमिंग भी मैंने करी है फ़ोन के साथ, करीबन ऑलमोस्ट हर गेम चला दिया था ये, लेकिन बहुत हैवी गेम्स के साथ हाई सेटिंग पे, जैसा मैंने एस्फाल्ट 8 भी ट्राई किया, इस पर थोड़ा सा लैग मैंने नोटिस किया। तो अगर आप बहुत हैवी गेम्स खेलते हो तो आपको जो ग्राफिक सेटिंग है मीडियम पे करना पड़ेगा, नहीं तो आप थोड़ा सा लैग नोटिस करोगे ये फ़ोन के साथ। फास्ट चार्जिंग के बारे में भी पूछ रहे थे लोग, फास्ट चार्जिंग दी गई है फ़ोन पे, सो उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन जब हम कैमरा के बारे में बात करेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि रियर फेसिंग कैमरा का परफॉर्मेंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सैमसंग के फ़ोन के लिए, 33,000 का जो फ़ोन है, उतना अच्छा नहीं है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। बाहर तो शॉट्स ठीक ही ले लेता है लेकिन इंडोर लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा वीक है मेरे हिसाब से, कॉम्पिटिशन अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो चीज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। और फ्रंट फेसिंग कैमरा तो बहुत ही अच्छा दिया गया है क्योंकि उसमें डुअल कैमरा दिया गया है, पोर्ट्रेट इफेक्ट्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगी फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ जो है, जो इसकी आप सेल्फी लेते हो बहुत वाइड नहीं है, दूसरे कैमरा को ये एक वाइड एंगल देना चाहिए था, ये लोगों ने नहीं दिया। सेटिंग्स में एक सॉफ्टवेयर मोड दिया गया है वाइड सेल्फी के साथ, लेकिन यार वो लेते लेते ना आप परेशान हो जाओगे। तो फ्रंट फेसिंग कैमरा तो बहुत अच्छा है लेकिन वाइड सेल्फी जो कहते हैं हम, वो ज़्यादा नहीं है इसके साथ। तो भाई ये क्या फ़ोन है, ये एक मिड रेंज फ़ोन है जो प्रीमियम स्टाइलिंग आपको देता है, देखने में तो नोट 8 के जैसा लगता है लेकिन भाई ये मिड रेंज एंड्रॉयड फ़ोन है। दाम तो अगर हम मैं कहूँगा परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, तो आप जो प्रीमियम प्राइस है वो दे रहे हैं सैमसंग की ब्रांडिंग के लिए, जो मुझे अच्छा लगा कि नोट 8 के जैसा लगता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है फ़ोन की, लेकिन ये मिड रेंज डिवाइस ही है। लेकिन कैमरा के बारे में जब हम बात करेंगे, पीछे का कैमरा उतना खास नहीं था मेरे ओपिनियन से। तो भाई ये थे मेरे ओपिनियन सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस के बारे में, और काफ़ी लोग कहते हैं मुझे कंपेयर करो ये वन प्लस 5T के साथ या ऑनर व्यू 10। मेरे हिसाब से वन प्लस 5T और ऑनर व्यू 10 दोनों इससे ज़्यादा पावरफुल और बेटर फ़ोन से ओवरऑल पैकेज के लिए, लेकिन अगर आपको सैमसंग ब्रांडिंग का कोई फ़ोन चाहिए, स्टाइलिश फ़ोन चाहिए, तो आप इसे देख सकते हो, लेकिन यार बहुत सारी चीज़ों में ये परफेक्ट नहीं है, वो चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी। सो भाई था ये था एक क्विक ओपिनियन वीडियो ये सैमसंग गैलेक्सी 8 प्लस के बारे में। भाई लोग ये मेरा हिंदी का चैनल है, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए तो बस इतना ही, अलविदा, फिर मिलेंगे।